तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है Redmi K20 और Redmi K20 Pro। तो दोस्तों, इसके बारे में अब फाइनली पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ये कब तक लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगा, क्या स्पेक्स होगी, साथ ही इसका जो बॉक्स है ना और जो बैक कवर है वो लीक हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर पूरी चर्चा करने वाला हूँ Redmi K20 Pro के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं Redmi K20 Pro के बारे में तो आपने आज की हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। लेकिन उससे पहले आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही जो पास वाली नोट में बेल का आइकन आएगा तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब Redmi K20 Pro के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Redmi K20 Pro अब जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर भी और ग्लोबल तौर पर भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। अगर बात की जाए इसकी स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको 6.39 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है जो एक फुल व्यू डिस्प्ले होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, इसका जो बॉक्स है ना वो लीक हो चुका है, साथ ही यहाँ पर जो बैक कवर है वो लीक हो चुका है। अगर बैक कवर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो कैमरे का स्लोट है वो बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। तो जाने कि इस पे यहाँ पर 100% कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। उसका जो फर्स्ट सेंसर होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, जो आएगा सोनी IMX586 के साथ में। साथ ही अगर बात की सेकंड सेंसर की तो वो होगा एक वाइड एंगल सेंसर जो होगा 13 मेगापिक्सल का। अगर बात की यहाँ पर थर्ड सेंसर की तो वो रहने वाला है 8 मेगापिक्सल का, जो एक टेलीफोटो सेंसर होगा। अगर बात की यहाँ पर फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, तो ये कन्फर्म हो चुका है। अगर इसके बाद में बात की है प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलने वाला है, जो आता है एंड्रीनो 618 GPU के साथ में। साथ ही अगर इसके बाद में बात की है यहाँ पर बैटरी की तो बैटरी आपको 4000 mAh के मिलने वाली है, जो आएगी क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ के साथ में। और साथ ही यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक और आयर ब्लास्टर भी देखने को मिलने वाला है विद USB टाइप सी। अगर इसके बाद बात की इसके वेरिएंट्स की तो यहाँ पर आपको 4+64, 6+128 और 6+256 GB तक का वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए इसके लॉन्च डेट की, दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में अभी केवल ये न्यूज आ रही है कि जो Redmi K20 Pro है वो इंडिया के अंदर जून महीने के दौरान लॉन्च हो सकता है। तो जाने की आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो डिवाइस होगा Redmi K20 Pro ये 10 जून तक लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर। अगर इसके बाद में बात की है यहाँ पर इसके प्राइस की, दोस्तों जो Redmi K20 Pro है ना उसका जो प्राइस है इंडिया के अंदर वो 20,000-21,000 से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस रहने वाला है। दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पोको F1 देखने को मिला था ना 20,000 के रेंज से, तो इसी प्रकार से आपको जो Redmi K20 Pro भी 20-21,000 रुपये की रेंज से ही स्टार्टिंग देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, फिलहाल तो आज की इस वीडियो में ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताना था यहाँ पर Redmi K20 Pro के बारे में, क्योंकि दोस्तों अब इसका जो बॉक्स है वो लीक हो चुका है और यहाँ पर बैक कवर भी लीक हो चुका था। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों आपने ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।